आप तो प्यार कर लिए हमसे, लेकिन आगे क्या होगा वो आप समझना और मुझे बचाना। आप उसका चिंता छोड़ दो, सारी जिम्मेदारी मेरा है। और गम सलामत रहे, और गम सलामत रहे, गम ख्वार मिले न मिले, गम सलामत रहे, गम ख्वार मिले न मिले, गम सलामत रहे। दरबारी देखो, दिल जब इसी पे आ गया तो क्या करूं? ये बताओ महाराज, कहो यंग मियान में दो तलवार हो सकता है तो क्या चार तलवार हो सकता है? कैसे? हम और आप चाहें तो, हम आप चाहें तो जी, लेकिन महाराज ये फर्ज नहीं बनत है। आप क्या और कहा राजा और कहा प्रजा? दरबारी देखो, तुम जितना तुम्हारा फर्ज है उतना काम कीजिए, आगे बढ़ने का कोशिश मत करो। मैं बता दिया कि जब दिल इसी पे आ गया तो क्या करूं, मैं मजबूर होकर इससे प्यार करता हूं। महारानी साहब, महारानी भी रहेगी, ये भी रहेगी। महारानी महलों की रानी है और ये हमारे दिल की रानी। ओहो, बड़का भागवत बैठ गए। राजा धर्म यह हुआ था, राजा सर्वस जो कुछ करते हैं राजा ही करते हैं। हम कहूँ राजा नहीं सुने, क्यों नहीं सुना होगा? बताओ राजा, कोई राजा ऐसा नहीं जिसके पास दो पत्नी चार पत्नी ना हो। तुम नहीं देख पाओगे दरबारी जी, आप नहीं देख पाएंगे। ये हमारे दिल की रानी है, ये बनकर आग हमारे दिल में धस चुकी है। अरे मंकिन हुआ है। अरे इससे नहीं मतलब है, कुछ भी हो, जब दिल आ गया। ओहो, और महारानी साहब क्या करी है? महारानी भी रहेगी, बर्दाश्त ना हुई महाराज, नहीं होगा, देखा जाएगा। लेकिन अब क्यों मनबो ना आई? ये कहाँ हो सकता है, छत्री कभी अपना वचन देकर पलटते नहीं है। वो तो वचन दे दियो भाई। अरे मैंने तुझको चाहे है मेरी मेहरबानिया, अरे मैं तुझको चाहे है मेरी मेहरबानिया, और तू महलों की रानी डाला तेरी तकदीर को, बदल गई मैंने तेरी जिंदगानी, बदल गई मैंने तेरी जिंदगानी।
लगानी। अरे मैंने कुछ वो चाहे है मेरी मेहर देखिए अब हमारा प्यार हो गया, हर चीज हो गया, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? देखिए इस महल में कमला रहती है, इस महल में मैं नहीं रहूंगी, हमारे लिए हमारे नाम का महल बनवाए फिर मैं रहूंगी। तुम्हारे नाम से एक चंपा भवन अलग बनवाना पड़ेगा, ठीक है? चलो तुम महलों में आराम करो, मैं अभी बनवाता हूँ, ठीक है? मैं तो जा रही हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। क्या? और ये दिल तुम बिल कहीं लगता नहीं, हम क्या इसी महल के सामने ये चंपा भवन बनवाना है, उसे तत्काल ही बनाकर तैयार कीजिए। ठीक है महाराज, जाइए, मैं जा रहा हूं। आज बहुत गंभीर नजर आ रहे हैं, आज कुछ खर्चा नहीं रह गया, चल के सरदार जी को बताता हूँ। जय बाबा भवानी। जय बाबा भवानी सरदार जी। कहिए नंबर एक, कैसे उदासी तुम्हारे चेहरे पर इस समय आई हुई है? सरदार जी उदासी के मतलब यह है कि आप खुद ब खुद जानते हैं खजाना खाली हो गया है, एक एक बीड़ी यानी कट्टी बीड़ी पीन के पीना पड़ता है। आनी खजाने में पैसे की कमी आ गई है। जी हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यह बताए कि इस इलाके में सबसे मालो जार कौन व्यक्ति है, कौन इंसान है? इस इलाके में एक ही आदमी है मालवर, बेदपुर का रहने वाला है, बेदराम पांडे। उसके परिवार कितने हैं? परिवार केवल दो हैं। कौन कौन सा? एक बेदराम पांडे है और एक उसकी इकलौती बेटी है जिसका नाम है कुंती। नंबर एक, चलो आज ही रात में पूरे गिरोह के साथ उसके यहाँ ढकैती डाल देंगे। ठीक कहते सरदार जी, चलिए जल्दी। जय मां भवानी।
राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय लगभग एक महीना हो गया जजमानी में गया था और वहां से लौटा हूं चलूं और काफी भगवान ने मुझे पैसा दे दिया है और मेरी एक लड़की है वो सयानी हो गई है शादी के योग हो गई है उसी के लिए ज्यादा मैं परेशान रहता हूं। ठीक है देखता हूं बेटी कुंती ए बिटिया और बेटी देखिए कुछ भोजन वोजन बनाई हो या नहीं देखो इतनी दूर से आया हूँ देखिए तुम सयानी हो गई हो अभी तो खाना पका रही थी। अच्छा अच्छा ठीक किया तुम सयानी हो गई हो अब तुम्हारे शादी के लिए मैं बहुत परेशान रहता हूँ कि तुम्हारा हाथ पिला कर दूं और मैं छुट्टी पा जाऊं। देखिए ये जजमानी से अमानत मिला है इसमें बहुत काफी रुपया है क्योंकि इसे संभाल कर रखना। ठीक है बाबूजी आराम से बोलना क्योंकि इस इलाके में दो चोर बहुत बदमाश बहुत खराब है। हाँ वो छोला सिंह हाँ सभी दो पांडे मेरे हाथ में लावो और मेरे हाथ में अपना चल का तिजोरी बता दीजिए आना कानी के चक्कर में पलना नहीं सोलह सिंह का कहा कौन हो नए पंचायतता है हम इस इलाके के। मेरा नाम शोला सिंह ठाकुर है। तो माफ कर दी दिए शोला सिंह तुम अभी है मेरे पास में कानी कौड़ी नहीं हम गरीबों पर रहमे और करम कीजिए हम गरीबों पर रहमे करम कीजिए। मेरे माई बाप मेरे पास कुछ नए मालिक जानते हैं कि मैं ब्राह्मण आदमी हूँ कहीं जाता हूँ तो मांग कर लाता हूँ तभी शाम को भोजन होता है सुबह भोजन होता है और हमारे पास कौन है माई बाप। नंबर एक इसका तलाशी ले शाला हम लोगों को बेवकूफ बनाता है।
मिल गया। चाबी लेकर मत जाओ भैया। चले चाबी रखे हुए तिजोरी का और तो चुमती हूँ कदम सर सरदार जी, मेरे बाबू को इतना सताओ नहीं, बिनती है मेरे घर से और चले जाइए, तन बदन पे न कोने चला। नंबर एक, कितनी हसीन ये लौंडिया है, जैसे बरसों के बाद इसका नाम सुना करता था। तू भी कभी चर्चा चलाते थे, कहते थे कि उसका नाम कुंती है, तो जैसे कुंती क्यों नहीं सुनती। नंबर एक, इस कुंती को लेकर अड्डे पर चलो, मैं पंडित वेद को, वेद पांडे को अभी लेकर ले जाकर नहीं जाऊंगी, जंगल में इसका पैर काट देता हूं। मैं अपने पिताजी को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। पैर को नहीं देता है, बुढ़े समझकर मैं तुझे बख्श दिया, नहीं तो तुझे जान से ही खत्म कर देता साल। हाय भगवान, हाय राम, हाय राम, बेटी तो बूढ़े बाबा बताओ आपको क्या हुआ। बूढ़े बाबा को बदलाइए, तैयार गए सुनो बाबा जी, कुछ तो बदलाइए, कुछ तो बदला। कौन हो बेटा? देखिए मैं घर में सोलह सिंडा का पड़ा था और मेरा मानो जान सब उठा ले गया, और बेटा एक बड़ा जुलूम भारी किया, एक हमारे पास लड़की थी उसको भी उठा ले गया। फसाना मेरे पिताजी, मेरे दिल में जरा भी नहीं थी रहे, सोलह कितना बड़ा जो गंगा मैया की तो गंग खा के कहूं आपके बेटे को दूध बाबा जी। हाँ कहिए। आपके पैरों में जख्म बहुत ज्यादा है, चलो मैं आपका इलाज करा दूं, अब आपके बेटे को मैं ढूंढ लाऊंगा। चलो बाबा जी मेरे कंधे पे बैठ जाओ, मैं आपको सहारा दूंगा और चलो मैं आपको इलाज करा दूं। चलिए बाबा जी। ठीक है बेटा। आ
जय माँ भवानी। नंबर एक सुन मेरे बात को, और मेरे सामने कुंत प्यारी ठीक है सरदार जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी कुंती को घसीटते हुए लेके आ रहा हूँ। जाओ जाओ और घसीटते हुए मेरे पास लाओ। शाली क्यों नहीं मानेगी? आओ मेरी धन गिरैया, मेरी शम्मक छल्लो, मेरी गुम्बरो, मेरी गज गाबनिया। सरदार जी आप मौज मस्ती कीजिए, तब तक मैं चलता हूँ, चम्मल का ख्याल रखूंगा। ठीक है, जय माँ भवानी। प्यारी कुंती, मैं तुम्हें किस लिए लाया हूँ? किस लिए? कि मैं तुमसे जब से देखा हूँ तब से हमारा दिल में आग की ज्वाला जल रही है। तो जा के अभी आग वाग जल रही है उसी में जल जाइए, कूद जाइए। और ये प्यारी सीने से अपने और लगा लो मुझे, प्यारी सीने प्यारी सीने से अपने लगा लो मुझे। और हार अपने गले का प्यारी कुंती, क्या मान जाओ, अभी तुम्हें प्यार से ही मना रहा हूं। अच्छा मान जाओ। क्या मान जाओ? तो मेरा भोज मुझे निकालो नहीं तो जहां अभूत तर जाएगा, ऐसी वैसी है मुझको और समझना नहीं, वरना तेरा नशा सारा झड़ जाए। मान नखरा दिखाती है जैसे कि कुछ भी जानती नहीं, और गुलफा भी ऐसा नगमा सुनाना फजूल है। गुलफा भी ऐसा नगमा और सुनाना फजूल है, और मेरे करीब से तुम्हें जाना फजूल है। और आना फजूल है, सारा मेरा करीब में और आना फजूल है, पर इबला को अकेले में सताना फजूल। प्यारी कुंती, क्या मैं तुम्हें, ये मेरा कोई गलती नहीं, ये गलती सिर्फ रेखिया उठान कनपटिया पकान। अच्छा ससुरी 18 और 16 की तकाजा है। मैं कहता हूँ मान जाओ। तुम्हें लगता है कि तुम हमसे प्यार कर लोगे? नहीं
मान जा मेरी जाने मन, नहीं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी। हो हरे दुपट्टे वाली सीधी साधी भोली भाली, जन्म रुक जाना, जन्म रुक जाना, रुक जाना, सीधी साधी भोली भाली, जन्म रुक जाना, जन्म रुक जाना। अरे कमीना तू अंधा हो गया, काना हो गया, पहचान मैं कौन हूँ? वही कुंवर सिंह हूँ। कुंवर सिंह? जी हाँ। तू कुंवर सिंह है? कहाँ था, क्या था, क्या होगा, और कहाँ था, कहाँ खो गया? अरे देखो, ये आपकी कोई करिश्मा नहीं, ये करिश्मा मेरे भाई की थी कि मैं घर से बेघर हो गया हूँ तेरे, और आज मैं दर बदर की ठोकरें खाता हूँ मेरे भाई की वजह से। तेरे भाई की करिश्मा कोई नहीं थी, ये करिश्मा तो शायद मेरा था, मेरा कर्तव्य था
कि तुझे घर से बेघर करवा दिया, दर दर भिक्षा मंगवा रहा हूं और तू भी मेरे सामने परजनित नहीं आया हूं, तेरे सामने मैं खड़ा हूं। वही कुंवर सिंह पहचान ले कमीना नहीं, इतना आज मार मारूंगा। तब की बार मैं तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन अब की बार मैं जान से मारूंगा साले। कुमार सिंह तू क्या मारेगा, मैं तुझे मिटा के तभी दम लूंगा। मुझे मिटा देगा? मैं कहता हूं यहां से पलट जा, पलट जा। अरे कमीना, मैं यहां से पलटने के लिए नहीं आया हूं।